सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइज, आज हम बनाएंगे अपना आयरन फार्म। सो गाइज, आज हमारे साथ खेलने वाला है हमारा दोस्त भी। तो अभी से कंटिन्यू मैं अपने दोस्त के साथ करूँगा, अभी वो आता ही होगा थोड़ी देर में। ये देखो आ गया। सो गाइज, अब इस वर्ल्ड को आगे मिलकर हम बढ़ाएंगे। मैं इसे और देखें, यहाँ बुला लेता हूँ। सो गाइस, हमारा दोस्त भी आ चुका है। अब उसे हमने टूल्स दिया तो उसने बना दिया है, शील्ड बना दिए। तो बाकी अब हम ना आयरन फार्म पे काम करेंगे। तो अभी उसके लिए हमें ग्रेवल चाहिए होगा बहुत सारे, क्योंकि फ्लिंट निकालेंगे तो फ्लैचिंग टेबल बनेगी, और विलेजर तो भाई ले आएगा। तो पहले हमें जगह देखते हैं कहाँ पर बना सकते हैं। और मेरी एक्स भी टूट चुकी है, वुड तो बहुत सारी है हमारे पास, बहुत सारी तो अभी है नहीं, पर फिर भी चल जाएगा इतना काम। और हाँ, विलेजर ब्रीडिंग कराने के लिए हमें एक अपना फूड फार्म भी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम जगह देख के फिर आगे मिलते हैं। सो गाइस, जब मैं पानी लेने गया था तो उसके बाद मैं अपना पानी तो ले आया, और यहाँ पर अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना लेंगे हम, क्योंकि आसपास तो पानी है नहीं। तो एक इधर डाला है, मैं तीन ब्लॉक खोदने हैं, एक इधर डाला है और एक इधर लास्ट में। तो ये हमारा बन गया अनलिमिटेड वाटर सोर्स। सब सेंटर में से हम जितना मर्जी ले सकते हैं, और एक बाल्टी दोस्त को दे देते हैं। और इसके बाद मैं फ्लिंट भी बहुत सारा लेके आया था, ग्रेवल ले आया था, वो आएगा तब दे देंगे उसे। ग्रेवल ले आया था, उसमें से फ्लिट भी 8 निकले, बाकी निकालने हैं हमें, क्योंकि वे आयरन फार्म के लिए 20 फ्लैचिंग टेबल चाहिए हमें। वर्क स्टेशन चाहिए होता है 20, कोई से भी लगा सकते हैं, पर अगर फ्लैचिंग टेबल रहती है तो ज़्यादा बेटर रहता है। और इसके बाद हम अपना फूड फार्म पे काम कर सकते हैं। तो भाई देखो, भाई ने घर बनाना भी शुरू कर दिया थोड़ा, और बाकी अब रिसोर्सेस कलेक्ट कर रहा है वो भी। और आयरन फार्म के लिए हमें 20 बेड्स भी चाहिए, उसके लिए 60 वूल लगेंगे। 60 बोल में बहुत टाइम जाने वाला है, तो हम देखते हैं कैसे कैसे कलेक्ट हो रहा। उसने भी एक वाटर बकेट बना ली थी, वो भी खाली। चलो कोई नहीं, वो अभी लावा भी लाना पड़ेगा मैं आयरन फार्म के लिए, वो भी देखना है, केव में जाना ही पड़ेगा एक ना एक बार। तो गाइस, फूड फार्म बनाकर मिलते हैं फिर आपको। तो गाइस, यहाँ पे ये पिलेजर्स आए हैं, ले भाई मैं मर गया, मैं मर गया, बच गया। ये आवारा, ये मरते मरते बताऊं। सो गाइस, विलेजर आउटपोस्ट का जो हेड होता है जो, उसमें उसे मार के हमें ओमेस बॉटल मिलती है। तो जो भी हमारा एक न्यू वेपन आया है मेज, उसको लेने के लिए हमें ट्रायल चैम्बर जाना पड़ता है, तो वहाँ एक्टिवेट करने के लिए इसे पीना पड़ता है। और ये भाई ने हमारे घर बनाया इतना बढ़िया, भी बाहर से थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, पर अंदर बहुत मस्त लग रहा है। पे चेस्ट भी है, अभी ये तो खाली है सर, बाकी यही भरी है। और ये सब सामान अभी मिल चुका है हमें, और इसे हम अपने शील्ड में लगा सकते हैं। ये ऐसे करके, और ये हमारी शील्ड। सो भाई, जब तक घर बना रहा है, हमने ये आसपास थोड़ा साइड में साफ कर दिया। तो अभी हम अपना फूड फार्म बनाने वाले हैं, और आयरन फार्म में हमें वूल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने शेयर बना लिया, ताकि हमें ना मारने के बाद हमें इसे पेकी वूल मिलता है, और शेयर से करने के बाद 2 या 3 मिल जाते हैं, जैसे इस बार 3 मिल गए। और इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा वूल मिल भी जाएंगे जल्दी से जल्दी। तो सीप ही सीप दिख रही है, इस बार इसने एक ही दिया, लॉल। तो
गाइस ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनाएंगे, पर इतना इनफ है बनाने के लिए हमारे फूड काम। ठीक, यहाँ उड़ के यहाँ पर हमने डाल दिया पानी, और फिर होए से लेकर इसे चार चार कर देते हैं। दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो दो तीन चार, एक दो तीन चार, फिर यहाँ पे डालेंगे पानी और फिर पूरा इसे मिला देते हैं। एक्चुअल में चार चार के बनाते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो फ्रेंड्स, फूड फार्म हमारा बनकर तैयार हो चुका है, अब हम आयरन फार्म पे काम करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमें लेनी है लीव, लीव्स ले लेनी है, और चाहे किसी भी ट्री की हो। सो हमें पहले 9x9 का एरिया बनाना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ऐसे सेम चारों तरफ हमें नौ नौ कर देना है। दो तीन चार पाँच छः, छः सात आठ नौ, सेम इधर दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, अभी भी मिल जाएंगे हमारे। दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ। उसके बाद हमें यहाँ से तीन और डिक में डिक कर लेना है, एक दो और ये तीन। तो ये अब हमें सारा पूरा एरिया साफ कर लेना है, हमें ये पूरा साफ करके मिलता है 2 मिनट में। सो गाइस, ये पूरा एरिया हमने साफ़ कर दिया है, और ये साफ़ करते हुए हमें आयरन भी मिला है, जो भी हमारे आगे बहुत काम आएगा। तो इसे हम जल्दी जल्दी माइन कर लेते हैं, कितना आयरन है यहाँ पे। एक ये तीन हो गए, चार पाँच छः सात और आठ नौ, तो नौ आयरन मिल चुका है। अब ये तो फार्म तो हमारा लगभग लगभग क्या पूरा कम्प्लीट हो गया। अब इतना इतना सा आयरन इनफ है, इतना हमारे हॉपर के लिए भी काम आ जाएगा। सो गाइस, अब हमें क्या करना है, एक लाइन छोड़ के पूरा यहाँ से ये कर लेना है, पीछे एक लाइन छोड़नी है बस। पीछे का एक ब्लॉक छोड़ देना है इसमें। सो गाइस, ये तो हमने खोद दिया है, अब इतना ठीक है। अब इसके बाद हमें पांच और डीप करना है, एक दो फिर से आयरन खड़े कर लेते हैं, तीन चार और ये पांच बस। और उसके बाद हमें वापस ये पूरा हमें खोद देना है पूरा, इतना ये खोद के फिर मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी से। एक दो तीन चार और ये पाँच, ऐसे ये पाँच पाँच कर देते हैं हर जगह से, फिर ऊपर से ऐसे खोदना शुरू करते हैं। पर ऐसे ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, अब तो हो जाएगा। सो गाइस, हमारे पास इनफ वूल तो हो गया है, अब उसके बाद हम यहाँ पे अपने बेड लगा देंगे, क्राफ्टिंग टेबल नहीं रख देते अपनी। सो गाइस, अब हम जल्दी से यहाँ बेड लगा देते हैं सारे, वो बेड क्राफ्ट कर लिया मैंने। अब से पहले मैं नीचे डर्ट लगानी है दोनों साइड, फिर उसके ऊपर बेड लगाना है। मैं बीच में गैप इसलिए छोड़ता हूँ बस कि मैं ऐसे अच्छा लगने के लिए, बाकी आप कोई से भी लगा सकते हो, जितना मर्जी मतलब 10 लगाने टोटल बस। मैंने कलर ऐसे अच्छा लगे थोड़ा दिखने में, उससे डबल कलर करा है। के नीचे की डर्ट हटा देनी है हमें फिर। दोनों साइड के इसके नीचे डर्ट हटा देंगे, और इसके नीचे भी सेम उसी तरह से बेड लगा देंगे। अब सेम कलर के भी सारे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे सो जाते हैं, रात हो गई फिर, वरना क्रीपर आके सब ख़राब कर देगा। हमारे इधर 10 बेड हो गए, अब इधर की डट हटा देते हैं। वो इधर अब हमारे टोटल 20 बेड, ये एक रह गया। 20 बेड हमने लगा दिए हैं, तो अब इसके बीच में हमें ब्लॉक लगा दे रहे हैं, और सेंटर में आ जाना है एकदम। और 20 फ्लैचिंग टेबल भी चाहिए हमें, तो वो भी हमने भाई ने फ्लिंट निकाला था, तो सारा अब हमने 20 फ्लैचिंग टेबल बना दिए। तो अब हमें
सेंटर में आ जाना है और चारों साइड से कोनों में ब्लॉक लगा देना है एक एक। उसके बाद पूरा एरिया पे फ्लैशिंग टेबल से कवर कर देना है, तो टोटली 20 आ जाएंगे पूरे। उसके बाद अब हम विलेजर भी लिया है विलेज से, अब धीरे धीरे ब्रीड करा के 20 कर देंगे। जॉब भी ले लिया यहाँ की, तो आपको ये याद रखना है बस कि ये विलेजर से ट्रेड ना लियो हमने, क्योंकि ट्रेड लियोगे उसके बाद आयरन फार्म बेकार हो जाएगा, और इसमें ग्रीन कोट वाला विलेजर भी नहीं होना चाहिए। वो ऊपर से कवर कर देते हैं और उसके बाद ब्रीड कराते रहेंगे इन्हें। अगर कवर नहीं करेंगे तो कभी भी क्रीपर आके या फिर ज़ॉम्बी आके इन्हें मार देगा। बस यहाँ से तोड़ के हम इन्हें फूड देते रहेंगे और ये ब्रीड करते रहेंगे। तो गाइस अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ से 3 हटाने हैं सेंटर से और इधर से 3 हटाने हैं, तो ये 7 लगेंगे टोटल। तो गाइस जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है वीडियो, ताकि वो भी ऐसा इतना एपिक आयरन फार्म बना पाए। उसके बाद हमें यहाँ से पानी डाल देना है, फिर अभी जब तक हम लावा नहीं डालते तो पानी डाल देते हैं ताकि हमें आराम से काम भी कर पाएंगे। तो पानी डाल के चेक कर लिया ताकि लावा भी अटक पाएगा। तो यहाँ से ऊपर के लिए रास्ता भी बना दिया, हमने चेस्ट लगा देंगे अपने डबल, उसके बाद हॉपर से कनेक्ट कर देंगे। सामान डाल के देख लेते हैं, अभी कनेक्ट हो गया है। इसके बाद बस हमें लावा डालना है यहाँ पे और फिर पानी, और ब्रीड करा देंगे, उसके बाद ठीक से ये वर्क करना शुरू कर देगा। तो गाइस अब इसके बाद हम लावा ले आया हूँ, अब डाल देते हैं। उसके बाद हमारा आयरन फार्म भी बढ़िया से वर्क कर रहा है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और जिसने भी अब तक शेयर नहीं करा है वो शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।